नाउ स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो डिस्कस किया है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम गुड कंटेंट जनरेशन. नाउ व्हाट इज़ कंटेंट? बेसिकली जो जो कंटेंट होता है वो ज़्यादातर, यानी जो सर्च इंजन है वो कीवर्ड्स को पिक करता है. यानी जो भी मेरी वेबसाइट का कंटेंट या जिस टॉपिक के ऊपर मेरी पर्टिकुलर वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनको बेसिकली गूगल या कोई भी सर्च इंजन सर्च करने की कोशिश करता है कंटेंट में. या कीवर्ड्स होने चाहिए या सिनोनिम्स होने चाहिए या मिलते जुलते जो वर्डिंग है या जो कीवर्ड्स हैं वो मौजूद होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, आपने लेट सपोज अगर फ्लावर से रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जब कोई फ्लावर से रिलेटेड टॉपिक या वेब पेज होगा उसमें सन फॉर एग्जांपल, सॉइल, वाटर, लीव्स, कोई कलर्स की बात होगी, कोई इस तरह की रिलेटेड कंटेंट होगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इज के जो पेज रैंक है वो जो मैं और आप लिखते हैं ना कंटेंट जाके आर्टिकल्स के अंदर या इवन वेब पेज के अंदर जो हम बॉडी टैग में लिखते हैं वो वही मैटर करता है. वही मैटर करता है सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन के वक्त. यानी जो जो क्रॉलर है जो आपके वेबसाइट से कंटेंट को रीड करता है ना, कंटेंट उस सारा वेब पेज रीड नहीं कर रहा होता है, एक्चुअली वो कीवर्ड्स पिक कर रहा होता है. वो कीवर्ड्स कौन से पिक कर रहा होता है ये आपको समझने की ज़रूरत है. कीवर्ड वो वाले पिक करने की कोशिश करता है जो आपके टॉपिक से मिलते जुलते हैं. यानी जो मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ उसमें ऐसे वर्ड होने चाहिए जो मेरे टॉपिक से मिलते जुलते हों. लेट्स सपोज अगर मेरा टॉपिक फ्लावर है तो अगर फ्लावर के अंदर मैंने कहीं कार का जिक्र कर दिया, अब मैं सिर्फ यू नो समझाने की बात कर रहा हूँ, या ब्रिक का जिक्र कर दिया है या फॉर एग्जाम्पल कैमरे का जिक्र कर दिया है तो कोई मुझे कुछ कहेगा नहीं, लेकिन ये रेलिवेंट चीज़ें नहीं है. यानी गूगल अब इसको, जो क्रॉलर है इसको आके अपने पास इंडेक्स करेगा तो वो सिनोनिम या मिलते जुलते वर्ड ढूंढने की कोशिश करेगा. जब नहीं मिलेंगे उसे या मिलते जुलते वर्ड कम मिलेंगे तो ऑब्वियसली दिस पेज विल हैव सर्टन पेज रैंक इम्पैक्ट. सो जब शुरू के दिनों में सर्च इंजन आए थे, जब वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा नहीं थी, यानी शुरू के दिनों में, तो उस वक्त एक फिनोमेना बड़ा मशहूर हो गया था, कीवर्ड स्टफिंग. कीवर्ड स्टफिंग को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, हमें ये पता है कि एक फायर पिट होता है जिसके ऊपर हम कुछ भी कुक कर सकते हैं, जो आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, या जिसको हम लोग अंगीठी भी बोलते हैं. तो अगर आपका टॉपिक ये है कि आपने फायर पिट के ऊपर कोई चीज़ लिखनी है, तो शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा लोग कीवर्ड स्टफिंग यूज़ करते थे. लुक हियर के जो फायर पिट का कीवर्ड है ना, वो आर्टिकल में बार बार यूज़ करना शुरू कर दिया. अब जो मैंने रेड में चीज़ें हाईलाइट की हुई है ना, इट इज़ जस्ट मेयर यू नो रेपिटेशन. जब वेबसाइट का बहुत कम वेबसाइट थी, जाहिर सी बात है कंटेंट भी कम था, तो उस वक्त सर्च इंजन को थोड़ा सा यू नो मिसलीड करना आसान होता था. मिसलीड से मुराद ये है कि जब भी फायर पिट का वर्ड यूज़ हो आपका पेज ही शो हो. ये हम इसका चांस ज़्यादा करने के लिए फायर पिट के वर्ड को ही बार बार हम लोग अपने आर्टिकल में यूज़ करना शुरू कर रहे हैं. लेकिन एज वी स्पीक टुडे, क्योंकि हमें अब ये पता है कि वेबसाइट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, लाइव सी बात है कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, और आजकल रेलेवेंस ऑफ द कंटेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज़, यानी इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है, तो कीवर्ड स्टफिंग जो है वो अब, यानी एक ही वर्ड को बार बार यूज़ करना अपने आर्टिकल में, इसको गूगल अब इम्पोर्टेंस नहीं देता जब वो पेज को रैंक करता है. तो अगर हम कुछ अर्सा पहले की बात करें, यानी कुछ सालों की पहले की बात करें, तो हो सकता है मुझे ये आर्टिकल बार बार नज़र आए, लेकिन आजकल अगर मैं सर्च करूँगा और एक वर्ड मैंने बार बार यूज़ कर लिया है तो गूगल इसको वेटेड नहीं देगा. गूगल विल नॉट इसको, यानी जो जो पेज रैंक है उसकी उसकी जो नंबरिंग है या जो उसका रैंक है, वो बार बार सेम वर्ड यूज़ करने से कुछ ज़्यादा नहीं होगा. सो व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू यूज़ सिनोनिम्स, वी वांट टू यूज़ रेलेवेंट कीवर्ड्स, वी वांट टू यूज़ सम दोज कीवर्ड्स जो मेरे वेब पेज या आर्टिकल
یا بلاگ کے کانٹینٹ کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کر دیں. کی ورڈ اسٹفنگ از نو مور یو نو ویلیویبل تھنگ. کچھ عرصہ پہلے تھی، اب نہیں ہے.